जी हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी ने पॉल्यूशन को लेकर केजरीवाल सरकार को घेरा है और दिल्ली में पोस्टर लगाकर केजरीवाल को ऐसा हिटलर बताया है जिसने दिल्ली को गैस चैंबर में तब्दील कर दिया। दूसरी तरफ गुजरात के नेता ने एक ट्वीट करके केजरीवाल को कौवा बताया है। देखिए, तंस कसते हुए कहा गया है कि केजरीवाल दिल्ली से गए हैं इसलिए पॉल्यूशन की वजह से काले हो गए हैं। देखिए, दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तरफ केजरीवाल को हिटलर बताया गया है बीजेपी की तरफ से, यह पोस्टर तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने लगाया है, और दूसरी तरफ केजरीवाल पॉल्यूशन से काले हो गए, वो यहां पर एक तरह से तंस कसा गया है बीजेपी की तरफ से और वो पोस्टर लगाए गए। देखिए, केजरीवाल के आरोपों पर जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है। किस तरह से वार पलटवार का दौर हमें देखने को मिल रहा है पॉल्यूशन को लेकर, क्योंकि पॉल्यूशन का सोल्यूशन कोई भी नहीं दे रहा है। देखिए और सुनिए। ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का नहीं है, उससे समाधान नहीं निकलता। हम करते रहे राजनीति, वो कहते रहे केजरीवाल जिम्मेदार है, हम कहते रहे वो जिम्मेदार है, इससे कोई समाधान तो नहीं निकलता, जनता को इससे फायदा तो नहीं होता, जनता को तो समाधान चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, आपने सुना है ना आज, कि पॉल्यूशन बहुत सेंसिटिव इश्यू है, हमारे बच्चों की जीवन का विषय है, इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। पूरे जीवन राजनीति करके पिछले वर्ष कह रहे थे, जब पंजाब की सरकार नहीं बनी थी, जब हम पंजाब में आ जाएंगे, जब हमारी सरकार बन जाएगी, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप देखिएगा अगले दिन से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। पॉल्यूशन के कारण खांसी भी हो रही है, माफ करिएगा।